हेलो फ्रेंड, टेक्निकल सवेरा में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल में अपने पास आया 12 वोल्ट से 0 24 वोल्ट का डीसी पावर सप्लाई जो मॉस्फेट ट्रांजिस्टर का हिस्से रहता है। देखो दोस्तों, इसके अंदर देखो, इधर से 12 देना पड़ती है उसको, और ये कि यहाँ पर भी वोल्ट देना पड़ता है उसको 12 वोल्ट। जिसमें ये जल चुका है दोस्तों, इसके ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हुए हैं शायद। ये देखो 12 0 -12 है, वोल्ट यानी 24 वोल्ट तैयार करता है ये 12 से। तो चलो दोस्तों, इसके नए ट्रांजिस्टर डाल देंगे पावर सप्लाई के और इसे चेक कर लेंगे। और जी ये मॉस्फेट जो ट्रांजिस्टर टेप आता है, इसका पावर सप्लाई है ये वाले का, आप देख पा रहे हैं सिलिकॉन का है दोस्तों ये मॉस्फेट ट्रांजिस्टर का। चलो दोस्तों, इसमें नया ट्रांजिस्टर जो चला ये भी यहाँ से अपन सर्किट को बराबर कर लेंगे। और इसमें जो ये ट्रांजिस्टर है ये भी बदल देंगे, नए डाल देंगे। तो इधर जो ट्रांजिस्टर है दोनों दोस्तों, ये वाले ये और ये वाले, ये देखो दोस्तों 24, ये 24 बोला दोस्तों, Z44N है आप देख पा रहे हैं। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर नए डाल देंगे इसके अंदर, और एक ये कैपेसिटर के बाजू में इतने दोनों नए ट्रांजिस्टर डाल देंगे। और इधर का जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों, इसका नंबर मेरे हिसाब से 7805 दिखाई दे रहा शायद। हाँ, ये जो है, जूमिंग कम कर लेंगे इसका, 7805 इधर का। ये ट्रांजिस्टर बदल लेंगे, इसके नए बिठा देंगे, और ये जो सप्लाई ट्रैक हो कट हो गई ये जोड़ लेंगे। और यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ से इधर भी आता है, जैसे ये लाल वायर पे से लेकर स्विच रहता है, जैसे टेप का जो ये स्विच रहता है, ये कनेक्शन इधर आया है। तो ये भी सप्लाई इधर जोड़ के अपन उसको चेक कर लेंगे। चलो पहले निकाल लेंगे ट्रांजिस्टर दोनों भी दोस्तों इसके। दोस्तों ट्रांजिस्टर निकाल लेंगे दोनों, एक निकल चुका है दोस्तों, और दूसरा भी निकाल लेंगे, जरा नेट खोल लेंगे उसका, जो स्टिंग पट्टी को आता है, स्टिंग दूसरी भी खुल गई है, दोनों बाजू हो गए। अब ये भी निकाल लेंगे, दोनों निकाल लिए दोस्तों, सर्किट से आप कर लेंगे। और मल्टीमीटर को बाजार पे ले लेंगे दोस्तों, ये देखेंगे ट्रांजिस्टर अपने शॉर्ट हुए कि नहीं हुए, बाजार पे ले लिए। और इसमें से नया भी ले लेंगे, चेक कर लेंगे कि बाजार आ रहा है। ये पॉइंट बता रहा है दोस्तों, अब देखेंगे ये भी, ये नहीं बता रहा है। ये देखो, ये सही है इसमें,
और इसके अंदर ये शॉर्ट हो गया है। अब नए का चेक कर लेंगे, नया कैसे बताता है। स्टेप बता रहे हैं, तो एक बता रहा है एक नहीं बता रहा है। ये क्या, ये इसके अंदर एक बता रहा है एक नहीं बता रहा है। ये बता रहा है, ये नहीं बता रहा है। तो चलो दोस्तों, अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, ये जूने रख देंगे बाजू और नए इसके अंदर बिठा देंगे, दोनों भी नए ट्रांजिस्टर इसके अंदर बिठा देंगे और इसको वस्ते। सिंक टेस्ट लगा देंगे दोनों को। और इसे एक एक करते हुए अच्छे से कस लेंगे। एकदम फुल टाइट कर लेंगे, ये फुल टाइट कर लिए इसे। अब ये दूसरा भी कस लेंगे। ये हो गए दोनों दोस्तों फिटिंग, आप देख पा रहे हैं। ये जो नए इसको बाजू में रख देंगे और पीसीपी को साफ कर लेंगे और इसे बिठा देंगे दोस्तों। स्टेप एक बैठ चुका है दोस्तों। ये ट्रैक थोड़ा सा इसके ये है, इसके दोस्तों फिटिंग नट लगा लिए। दोनों भी स्लिप आ रहे दोस्तों, इसकी जगह नए नट लगाना पड़ेंगे। इसको फिलहाल सोल्डरिंग कर लेंगे अपन। बाकी जो पॉइंट है, बाकी पॉइंट कट कर लेंगे। और ये ट्रैक टच नहीं होना दोस्तों, दोस्तों और ये जो सप्लाई है यहाँ से लेके ये कट हो चुकी, यहाँ से यहाँ वायर मार देंगे। चलो दोस्तों इसको दूसरे नट लगा लेंगे हैं। नट लगा लिए। अब ये जो जम्पर है, जो प्लस सप्लाई के रास्ते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे उसको। यहाँ पर मार दिए स्टेप दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों
सप्लाई के वास्ते और एक जगह सप्लाई के ये भी प्लस सप्लाई है दोस्तों, यहाँ से प्लस सप्लाई अपने को मारना है, यहाँ से यहाँ पर जैसे अपने बटन की स्विच पे से कनेक्शन रहता है, तो अपने को यहाँ पर चेक करना है। उसके बाद में अपन इसको पूरा टेप पर फिट कर लेंगे, जैसे चलो दोस्तों इसको डीसी पर 200 पर ले लेंगे, डीसी 200 पर ले लिए अपन ने इसको। अब इससे अपन 12 वोल्ट दे देंगे, ये आगा अपना 12 वोल्ट का प्लस और ये आगा माइनस। चलो दोस्तों अब ये यहाँ वोल्ट चेक करेंगे, ये आ गया दोस्तों इसमें, ये आ गया इसमें माइनस और ये आ गए 5 वोल्ट बता रहा है दोस्तों। बाहर आ गए यहाँ पर देखो दोस्तों 25 वोल्ट बता रहा है, यहाँ पर अभी 24-25 वोल्ट बता रहा है, वोल्ट आ चुका है दोस्तों, यहाँ 5 वोल्ट बता रहे हैं। सप्लाई क्लियर होगी दोस्तों, ट्रैक निकाल लेंगे दोस्तों यहाँ पर। और अभी से अब दोस्तों अपने को ये पावर सप्लाई इसके अंदर वापस बिठा लेना है, जो ऊपर का जो हिसाब से था वो हिसाब से। तो ये आ गया दोस्तों अपना यहाँ पर पास छोड़ के वास्ते, ये और ये है उसमें माइनस, ये आ गया प्लस दोस्तों, ये ग्रीन ग्रीन अर्थिंग बीच में होगा दोस्तों, और ये माइनस माइनस की जगह होगा, और ये स्टेप वायरिंग होगी इसकी, और ये रही दो अभी। और ये आ गए अर्थिंग और ये आ गए दोनों दोस्तों स्विच में। ये आ गए अपने जो ड्रावेट आता है, जो कनेक्शन दोनों एक करे थे अपने 12 वोल्ट पावर बटन पे से, ये आ गए। चलो दोस्तों अब इसको सप्लाई लगा कर देखेंगे, टच नहीं होना दोस्तों इसके लिए, नीचे लगाया जा रहा है इसका।
यहाँ पर देखो दोस्तों ऐसी थी जो अपने हरा वायर बीच में लगा देते ग्राउंड के वास्ते, पर ये काला ग्राउंड है और ये माइनस है दोस्तों। और अब इसको सप्लाई लगा कर देखेंगे, ये अपने ये देखो दोस्तों, ये अब वेलकम टू फाल्कन ऑडियो। ये देखो दोस्तों ये पूरा ओके चालू हो गया है, टच नहीं होना है। इसके वास्ते अपन एक काम करेंगे दोस्तों, इससे ये पावर सप्लाई को थोड़ा सा नीचे ये करके रखेंगे और ये आर्थिंग है इसको पूरा फिट कर लेंगे। ये देखो दोस्तों ब्लूटूथ मोड आ गया, सब ओके हो गया, सप्लाई आ गई। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। और ये जो वायर है एक अपना ये फैन का, यहाँ बीच में मार देंगे फैन का, तो ये अपना फैन जो है ना चालू हो जाएंगे। ये देखो दोस्तों ये फैन अपना फैन भी चालू हो गया, जो ये आर्थिंग जो है इसके, ये देखो ये फैन चलने लगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों, धन्यवाद। यहाँ पर देखो दोस्तों ऐसी थी जो अपने हरा वायर बीच में लगा देते ग्राउंड के वास्ते, पर ये काला ग्राउंड है और ये माइनस है दोस्तों। और अब इसको सप्लाई लगा कर देखेंगे, ये अपने ये देखो दोस्तों, ये अब वेलकम टू फाल्कन ऑडियो। ये देखो दोस्तों Bluetooth mode, ये पूरा ओके चालू हो गया है, ये टच नहीं होना है। इसके वास्ते अपन एक काम करेंगे दोस्तों, इससे ये पावर सप्लाई को थोड़ा सा नीचे ये करके रखेंगे और ये आर्थिंग है इसको पूरा फिट कर लेंगे। ये देखो दोस्तों ब्लूटूथ मोड आ गया, सब ओके हो गया, सप्लाई आ गई। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। और ये जो वायर है एक अपना ये फैन का, यहाँ बीच में मार देंगे फैन का, तो ये अपना फैन जो है ना चालू हो जाएंगे। ये देखो दोस्तों ये फैन अपना फैन भी चालू हो गया, जो ये आर्थिंग जो है इसके, ये देखो ये फैन चलने लगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों, धन्यवाद।